हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फीलिंग गुड। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। टुडेज टॉपिक इज सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन का गूगल मीनिंग है खुददारियत, यानी कि डिसीजन और चॉइसेस लेना। सेल्फ डिटरमाइंड पर्सन वो पर्सन होता है जो कि दूसरों पर डिपेंड करने के बजाय अपने डिसीजन और चॉइसेस खुद लेते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी में सेल्फ डिटर्मिनेशन की एक थ्योरी है जिसे हम सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी कहते हैं, और इसको डिस्कवर किया था दो साइकोलॉजिस्ट ने जिनके नेम्स हैं एडवर्ड ली डेसी एंड रिचर्ड एमरियान। सेल्फ डिटर्मिनेशन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ द एबिलिटी टू टेक हिज और हर ऑन डिसीजन एंड चॉइसेस। जब इंसान अपने डिसीजन खुद ले रहा होता है तो उसकी ये एबिलिटी उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ और साइकोलॉजिकल वेलबींग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि अगर कोई सेल्फ डिटरमाइंड नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उसमें गिल्ट होगा, कमतर होने की फीलिंग्स होंगी और ख़ुद को इन्फीरियर फील करेगा। लेकिन अगर वो सेल्फ डिटरमाइंड होगा तो एज अ रिज़ल्ट वो अपनी लाइफ पर कंट्रोल महसूस करेगा कि मेरे अलावा बाकी लोग नहीं करते कंट्रोल मेरी लाइफ पर, मैं खुद ही अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से गुजार रहा हूँ, और इसी वजह से ज़िंदगी भी पीसफुल होगी और लाइफ में वेरियस इवेंट्स पर इंसान खुद को इन्फीरियर समझने के बजाय दूसरों के मुकाबले में कॉम्पिटेंट फील करेगा। इसके अलावा सेल्फ डिटरमाइन होने का एक फ़ायदा ये भी है कि इंसान को मोटिवेशन मिलती रहती है कुछ करने की, और उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो ऐसा काम करे जिसका आउटकम भी अच्छा है। इसलिए इफ़ यू नोटिस तो कुछ लोगों को सेटिस्फेक्शन ही तब होती है जब वो खुद काम करते हैं, अपने डिसीजन खुद लेते हैं। यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी इंसानों की मोटिवेशन, पर्सनैलिटी एंड ऑप्टिमल फंक्शनिंग की बात करती है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग इंसान की तीन इननेट साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं जिन्हें यूनिवर्सल नीड्स भी समझा जाता है, एंड दे आर कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी एंड रिलेटेडनेस। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी की ह्यूमंस बेसिक नीड्स में से फर्स्ट है कॉम्पिटेंस। इन जनरल जो हम कॉम्पिटेंस का मतलब होता है वही कॉम्पिटिशन का भी मतलब होता है। ह्यूमंस कॉम्पिटेंट नीड्स का मतलब है कि इंसान अपने इन्वायरमेंट में कॉम्पिटेंट रहे, वो दूसरों से इन्फीरियर ना हो और वो अपने इन्वायरमेंट को इफेक्टिवली डील करे। सेकेंड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब है कि इंसान का अपनी लाइफ पर खुद कंट्रोल हो, कोई और उसकी लाइफ को कंट्रोल ना कर रहा हो और वो अपनी लाइफ की डिसीजन और चॉइसेस खुद ले रादर देन डिपेंडिंग ऑन अदर्स। लास्ट नीड है रिलेटेडनेस। ह्यूमन बेसिक नीड्स में से रिलेटेडनेस एक वो नीड है जिसका मतलब है कि इंसान के पास अपने रिलेशनशिप्स हों, क्लोज एंड अफेक्शनेट रिलेशनशिप्स। टू कंक्लूड द थ्री बेसिक ह्यूमन नीड्स ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू ह्यूमंस, ह्यूमन ए एंड ह्यूमन बी। पहले हम ह्यूमन ए को सपोज करेंगे। ह्यूमन ए जो है वो खुद को इन्फीरियर फील करता है और वो दूसरों से कॉम्पिटिशन भी नहीं करता। उसको लगता है कि मैं हार जाऊँगा या मैं पीछे रह जाऊँगा, यानी उसमें कॉम्पिटेंस नहीं है। और जब उसको किसी ग्रुप में भेज दिया जाता है तो वो इस पे डिपेंड होता है कि कोई और ग्रुप को लीड करेगा और वही डिसीजन लेगा, यानी उसमें ऑटोनॉमी भी नहीं है। क्योंकि वो खुद को इन्फीरियर फील करता है तो वो किसी से रिलेशंस भी नहीं बनाता। उसको लगता है कि सब मुझसे अच्छे हैं, यानी कि उसमें रिलेटेडनेस भी नहीं है। तो ही वॉज ह्यूमन ए। अब हम देखते हैं ह्यूमन बी को। ह्यूमन बी जो है वो हर जगह खुद को कॉम्पिटेंट फील करता है और हर एक्टिविटी में पार्ट लेता है, और अगर उसको किसी ग्रुप में डाल दो तो वहाँ पे भी वो खुद डिसीजंस लेता है और पार्ट भी लेता है उसमें, और वो लोगों से रिलेशनशिप से बहुत अच्छे रखता है। यानी वो सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के तीनों ह्यूमन बेसिक नीड्स को फुलफिल कर रहा है। सो व्हाट डू यू थिंक, कि ह्यूमन ए की लाइफ ज़्यादा बेस्ट है या ह्यूमन बी की? ऑब्वियसली ह्यूमन बी, यानी कि इस लाइफ में सेल्फ डिटर्माइन होना बहुत ज़रूरी है। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।